हेलो दोस्तों, तो पहुंच गए हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे आखिरी लेक्चर में, जो कि इंक्लूड करता है एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर्स को। हम इसको डिस्कस करेंगे विद ऑल द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्बोकटायन और कार्बेनायन की एसिडिक स्ट्रेंथ और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनकी जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। छोटे लेक्चर्स बनाए गए हैं 30 से 40 मिनट के। मैं जरूर चाहूंगा कि आप वो लेक्चर्स देखें ताकि आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे बने, ताकि जब हम हाइड्रोकार्बन्स पर जाएं तो हमें कोई तकलीफ ना हो। एक्चुअली जो क्लास 12th में जो बच्चों की ऑर्गेनिक वीक रहती है, उसका रीजन ये नहीं होता कि उनकी क्लास 12th की ऑर्गेनिक खराब है, उसका रीजन ये होता है कि उनकी क्लास 11th की ऑर्गेनिक के बेसिक्स खराब है। क्लास 11th में फिजिकल केमिस्ट्री के 8 चैप्टर होते हैं, इनऑर्गेनिक के लगभग, अगर मैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक और एक दो और चैप्टर जो मुझे अभी ध्यान नहीं है अगर मैं मिला दूं तो 3-4 चैप्टर्स होते हैं। तो जब 12 चैप्टर एक बच्चा पढ़ लेता है ना, 11 से 12 चैप्टर, तो उसको लगता है कि केमिस्ट्री तो मैंने बहुत पढ़ ली एग्जाम के हिसाब से, और ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है क्लास 11th में वो सिर्फ 2 चैप्टर्स होते हैं, एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी और एक हाइड्रोकार्बन्स। और अगर मैं स्कूल के पेपर के हिसाब से बताऊं तो स्कूल के पेपर में अगर 70 नंबर का पेपर है तो उसमें से 50 नंबर की 50-55 मार्क्स की फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही होती है, लगभग 15-20 मार्क्स की ऑर्गेनिक होती है। अब इसमें बच्चा सोचता है कि अगर मैं 10-12 नंबर भी स्कोर कर लिए तो बहुत है मेरे लिए, 10 नंबर भी बहुत है, बट वो ये नहीं जानता कि जो क्लास 11th की 20 मार्क्स की ऑर्गेनिक है, यही क्लास 12th की 50-55 मार्क्स की ऑर्गेनिक बन जाएगी। मतलब 50 तो बहुत आराम से मान के चलो आप, फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ 20 नंबर की होती है फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के, 45-50 मार्क्स की सिर्फ ऑर्गेनिक होती है क्लास 12th में। डिपेंड करता है, कभी 45 आ जाए, कभी 40 आ जाए, कभी 50, मतलब रेंज यही होती है 40-50 के बीच में, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है। 70 में से अगर तुम 40 नंबर की अगर सिर्फ तुम्हारी ऑर्गेनिक आई है तो सोचो कितना बड़ा पोर्शन है ऑर्गेनिक का क्लास 12th में, और क्लास 11th में बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 15-20 नंबर। इस वजह से लोग क्लास 11th की जो ऑर्गेनिक है उसको इग्नोर कर देते हैं और क्लास 12th में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वजह से मेरी एडवाइस है आपसे कि क्लास 11th की ऑर्गेनिक के बेसिक्स बहुत अच्छे कर लो, ताकि क्लास 12th की ऑर्गेनिक पर जब हम जाएं, और अभी क्लास 11th में जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में भी जाएंगे तो ये कार्बोकटायन, कार्बेनायन, रेजोनेंस, ठीक है, इन सब के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं, और बहुत डेप्थ में जब हम जाते हैं ऑर्गेनिक में तब हमें ये जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये दिक्कत करते हैं अगर हमें ना समझ में आए हो तो। खैर, आज की क्लास में हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी पर। तो आइए बात करते हैं और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो समझते हैं एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट को। क्या है एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट? एरोमेटिसिटी एक कंपाउंड में, बेंजीन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स में, तब प्रोड्यूस होती है जब वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस दिखा रहा हो, दूसरा वो स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, नॉन साइक्लिक में नहीं चलता रेजोनेंस एरोमेटिसिटी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए स्पीशी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और उसके पास वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में, अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटल्स होने चाहिए। क्या होता है अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटल, अभी हम बात करेंगे। रेजोनेंस, चार कंडीशंस हैं, रेजोनेंस, साइक्लिक, sp2n प्लेनर, और चौथी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें n क्या है, एक इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3, ये कैसे होता है अभी हम बात करेंगे। पहले चार कंडीशंस को नोट कर लो, ये चारों कंडीशंस जब सेटिस्फाई करेंगी तभी कोई कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक होगा। जैसे कि अगर बेंजीन हम जानते हैं, बेंजीन जो होती है वो एरोमेटिक होती है, ठीक है, कैसे अब देखते हैं
हम जानते हैं, ठीक है। अब इसको इन चारों कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। रेजोनेंस हो रही है, ये इस तरीके से खोल के स्ट्रक्चर भी दिखाया किस तरीके से रेजोनेंस होती है। ये पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, खड़े हुए पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन, इसके इस तरीके से पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से पी ऑर्बिटल्स खड़े हुए सारे पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पहली रेजोनेंस हो गया, साइक्लिक भी होती है बेंजीन, ठीक है, नॉन साइक्लिक तो होती नहीं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर होती है, ठीक है। 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखेंगे भाई, 4 में n की वैल्यू अगर 0 पुट करो तो दो इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं, 4 into 1 plus 2 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वाली सेटिस्फाई, मतलब ये जो 4n plus 2 की जो कंडीशन है, n की वैल्यू 0 पुट करी तो 2 आया, n की वैल्यू 1 पुट करी तो 6 आया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेंजीन के अंदर भाई, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो तीन बॉन्ड होते हैं तो तीन बॉन्ड हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये 4n plus 2 वाली कंडीशन जो है वो मैच कर रही है बेंजीन। अब देखते हैं बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल कटायन, ठीक है, बेंजीन पे CH2+। अब इसमें क्या है, इसके अंदर रेजोनेंस चल रही है बेंजीन में, और ये जो सी कार्बन के ऊपर जो कार्बन पे जो पी ऑर्बिटल है, ये भी जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, क्योंकि कार्बन, ये कार्बोकटाइन है, तो कार्बोकटाइन क्या होते हैं, इनके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, तो ये भी जो है वो रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन हो गई, रेजोनेंस है, ठीक है, साइक्लिक भी है, sp2 प्लेनर भी है, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स भी है, भाई 4 into 1 plus 2, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो 6 आ रहा है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है बेंजाइल कैटायन के अंदर। अब देखो तीसरा वाला, देखो तीसरा, ये है फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव, क्या ये एरोमेटिक है, रेजोनेंस है, साइक्लिक है, sp2 प्लेनर भी है, क्या ये 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन है, यस 4 into 1 plus 2, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये कंडीशन भी हो रही है, पर क्या इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटल है, नहीं है, क्योंकि इसका ये जो कार्बन पे जो में जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का जो प्योर ऑर्बिटल है, ये इनके साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये इनसे अलग प्लेन में है, मतलब अगर प्योर ऑर्बिटल जो ये जो है, ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं इन इन कार्बन के पास, ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये अगर इस तरीके से हैं खड़े हुए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के पास जो ये पी ऑर्बिटल है, ये लेटा हुआ है, यानी ये अलग उसमें है, डायमेंशन में, उसी डायमेंशन में नहीं है जिस डायरेक्शन में बाकी पी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जो होगा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल में नहीं है, ये हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में है, ये हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में है, तो हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होने की वजह से ये एरोमेटिक जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये होती है एरोमेटिसिटी की कंडीशंस। आगे हम और अभी क्वेश्चंस जो होंगे उनके साथ यही चारों चीज जो है, रेजोनेंस, साइक्लिक, sp2 प्लेनर और 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो ये रहे हमारे सामने कुछ शेप्स जिनके एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास, इसको अगर हम नंबर वन मान ले तो यह है साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन का कार्बोकटायन, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन का कार्बोकटायन, ये क्या होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो देखो साइक्लिक है ये, ठीक है, रेजोनेंस भी हो रही है यहां, ये अगर कार्बन यहां पर जाता है, ये जो डबल बॉन्ड यहां पर जाता है, तो रेजोनेंस भी हो रही है, साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, ठीक है। और 4n plus 2 वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, 4n plus 2, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा भाई, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये भी हो गई, और जब ये तीनों हो गई तो मतलब फिर जो प्लेनर 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 भी है ये, क्योंकि कार्बो का टाइम जो होता है वो प्लेनर होता है, तो चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब ये एरोमेटिक है, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये है साइक्लोपेंटाडाईन, साइक्लोपेंटाडाईन, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, 5 मेंबर रिंग है, यहां पर डबल बॉन्ड्स है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, पहला साइक्लिक है, ठीक है,
रेजोनेंस भी हो रही है, अगर ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा यहां पर तो ये रेजोनेंस हो रही है यहां पर, ठीक है। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, ठीक है। प्लेनर प्लेनर भी हो ही जाएगा जब ये कर रहा है रेजोनेंस तो। और 4n+2 पर इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन देखो, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे 2, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 2 इसके लोन पेयर के और 4 ये 2 और ये 2, तो 4 हो गए ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो मतलब ये भी एरोमेटिक होगा। इसका pKa अगर तुम्हें पता याद रखो तो और अच्छी बात है, इसकी pKa होता है 15 होता है इसका pKa, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड है ये, जेई में भी आ चुका है, साइक्लोपेंटाडाइईन के बारे में, ठीक है। इसकी एरोमेटिक एरोमेटिसिटी के बारे में भी बात हो रखी है और इसकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रखी है, तो इसका pKa 15 जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए। फिर आता है ट्रोपाइलियम, ठीक है, ट्रोपाइलियम ये तीसरा है, ट्रोपाइलियम साइक्लिक है, ठीक है, रेजोनेंस भी कर रहा है, ये अगर यहां पे जाएगा तो ये यहां आएगा, रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। और sp2 प्लेनर है क्योंकि कार्बोकेटायन है, और 4n+2 पाई की कंडीशन देख लेते हैं, 4n+2 n0 तो 2 n1 तो 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ये 2 ये 2 और ये 2, ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया, ठीक है, ये भी एरोमेटिक। ये देखते हैं साइक्लिक है, हाँ जी साइक्लिक है, रेजोनेंस हाँ जी हो रही है रेजोनेंस, 4n+2 पाई की कंडीशन है, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 होगा, और n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 होगा, लेकिन लेकिन ये जो है अगर यहां पे आएगा तो ये रेजोनेंस कहां हो रही है भाई, ये तो नेगेटिव चार्ज जो है इस पे कहां डिस्पर्स हो पा रहा है, तो मतलब ये कौन सी कंडीशन हो रही है, अगर यहां पर हम 4n पाई लें तो n की वैल्यू 1, तो 4n पाई वाली जो कंडीशन होती है ना, ये 4n पाई वाली कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, ये एंटी एरोमेटिक स्पीशीज होती है, 4n पाई में एंटी एरोमेटिक जो होती है वो स्पीशीज होती है। इसमें भी देखो 4n पाई, n की वैल्यू 1 पुट करेगा तो 4 आ रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4n+2 वाली कंडीशन इसमें हो ही नहीं रही है, क्योंकि 4n+2 लोगे, 4n+2 अगर इन दोनों में लोगे तो n की वैल्यू 0 तो 2 भी नहीं है, और अगर n की वैल्यू 1 भी लोगे तो 6 भी नहीं है, तो 4n पाई वाली जो कंडीशन होती है ये भी 4n पाई वाली है, ये भी 4n पाई वाली है, ठीक है। इसमें इसमें कैसे है 4n पाई, इसमें n की वैल्यू 2 लो तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वह एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है। क्यों एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर 4n+2 वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इनके अंदर 4n पाई वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये तीनों हो गए एंटी एरोमेटिक। ये भी एंटी एरोमेटिक होता है ये वाला, 4n पाई देख लो, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो 4 आया, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी एंटी एरोमेटिक हो गया, ये भी एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब इसके अंदर ना तो 4n+2 अप्लाई हो रहा है इन 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 दोनों के अंदर, ना तो 4n+2 अप्लाई हो रहा है ना 4n पाई, ना 4n पाई हो रहा है, कैसे 4n+2 n की वैल्यू 0 पुट करो 2, ठीक है भाई, रेजोनेंस इनके अंदर हो ही नहीं है, इनके अंदर रेजोनेंस भी नहीं हो रही, ठीक है, तो 4n तो ये एरोमेटिक है नहीं, नॉन एरोमेटिक भी नहीं कर सकते, नॉन एरोमेटिक करके देखो 4n पाई, ठीक है, n की वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो 4 आता है, और n की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 आता है, बल्कि इसके अंदर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला या तो एरोमेटिक होना चाहिए, पर एरोमेटिक हो नहीं रहा है क्योंकि रेजोनेंस नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। जब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों की कंडीशन अप्लाई नहीं होती तब नॉन एरोमेटिक आता है, ये भी नॉन एरोमेटिक क्योंकि इसके अंदर भी रेजोनेंस नहीं हो रही, ठीक है, रेजोनेंस नहीं हो रही, और 4n पाई वाली कंडीशन मिल नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि 4n पाई में क्या होगा, या तो 0 होंगे या 4 होगा, चलो 4 हो भी गया, यहां पर अगर 1 की वैल्यू हम पुट करते हैं तो 4 हो भी गया, लेकिन फिर भी यहां पर जो है वो रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये एंटी एरोमेटिक स्पीशीज नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये वाला स्पीशीज जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है टब शेप, ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो इस तरीके से जो एरोमेटिक है वो मोटा मोटा 4n+2 पाई कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, विद अनहाइब्रिडाइज प्योर वाइटल, एंटी एरोमेटिक 4n पाई कंडीशंस को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, और नॉन एरोमेटिक जो है जब 4n+2 और 4n पाई दोनों अप्लाई ना हो, ठीक है, तब नॉन एरोमेटिक वाला। अभी भी अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है तो ये जो होते हैं ना ये बड़े कॉमन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज्यादा कि भैया एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कैसे देखें, ये रिवाइज करोगे तो दिमाग में तुम्हारे होने चाहिए कि ये वाला एरोमेटिक है, ये वाला एंटी एरोमेटिक है, ये वाला नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यही
स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये ट्रोपाइलियम, साइक्लोपेंटाडाइईन, ठीक है, ये वाला जो है ये डांसिंग रेजोनेंस, इसके अंदर कुछ होती है ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तो ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक ये वाली स्पीशीज होती है, यानी अगर इसका प्लस हटा के नेगेटिव लगा दो तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, इसका माइनस हटा के प्लस लगा दो तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, इसका प्लस हटा के माइनस लगा दो तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज ना हो तब नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है वो एंटी एरोमेटिक है, ये वाला याद रखना, ये वाला एंटी एरोमेटिक है। तो इस तरीके से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके आपको नाम ही पता होने चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आई होप आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का समझ में आ गया होगा। तो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके आपको नाम पता होने चाहिए उनके बारे में मैंने अब लिखा है। बेंजीन, इन्हीं के जलवे हैं, इन्हीं के चर्चे हैं, ठीक है, एरोमेटिक होती है। नेफ्थलीन, यानी दो कॉन्जुगेटेड बेंजीन जो होती है उन्हें, उसे नेफ्थलीन कहते हैं। तीन कॉन्जुगेटेड बेंजीन जो होती है उन्हें एंथ्रासीन कहते हैं, ठीक है। पिरिडीन, इस बेंजीन के अंदर अगर एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा दिया तो उसको पिरिडीन कहते हैं, ठीक है। और फाइव मेंबर रिंग के अंदर अगर एक कार्बन को रिप्लेस करके, सिक्स मेंबर रिंग के अंदर अगर एक कार्बन को रिप्लेस करके लगाओगे तो पिरिडीन कहते हैं। फाइव मेंबर रिंग के अंदर अगर तुम एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगाओगे तो उसे पायरोल कहते हैं, ठीक है। उसी फाइव मेंबर रिंग के अंदर अगर कार्बन को रिप्लेस करके तुमने ऑक्सीजन लगा दिया तो उसको फ्यूरॉन कहते हैं। तो ये जो है कॉमन कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। पिरिडीन और पायरोल के अंदर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि उसके बारे में कभी मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा क्यों होता है ऐसा। हालांकि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि लुइस बेस इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, पिरिडीन या पायरोल, तो लुइस बेस पिरिडीन जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है पायरोल से। क्यों, इसका रीजन तुम पता करने की कोशिश करना। मैं कभी एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट की लेक्चर लेके आऊंगा 5 से 10 मिनट का, पिरिडीन और पायरोल के बारे में, उसमें डिस्कस करेंगे क्यों लुइस बेस पिरिडीन जो है वो ज्यादा अच्छा है पायरोल से। रेजोनेंस, अगर मैं हिंट दू तो रेजोनेंस का मामला होता है इनके अंदर, किस तरीके से पिरिडीन की रेजोनेंस जो होती है वो कुछ अलग होती है पायरोल से, ठीक है। तो यहीं पर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की कहानी को करते हैं हम समाप्त। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 3 से 4 रेजोनेंस, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, यही 4-5 मेन टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो होता है, जो कि हम इस सीरीज में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से सवाल नहीं आया नीट के अंदर। हम कभी और किसी एक सेपरेट वीडियो बना के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर लेंगे। अगले जो लेक्चर्स आएंगे वो हाइड्रोकार्बन्स के आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, कॉन्सेप्ट्स को तोड़ तोड़ के हम हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।